यूनिट 3 और एसएसबी पथक के संयुक्त तत्वाधान से पांचपावली पुलिस थाना अंतर्गत चल रहे अवैध तंबाकू बिक्री के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। साथ ही साथ प्राप्त मुद्देमाल को जमा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों पूर्व यूनिट 3 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि न्यू टेका बस्ती पांचपावली नाकू निवासी निजाम अहमद सुल्तान अहमद उम्र 40 वर्ष और इसके दो साथीदारों द्वारा अवैध तंबाकू का कारोबार चलाया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए यूनिट 3 और एसएसबी पथक के संयुक्त तत्वाधान से संदेहित स्थान पर छापेमारी की गई, जिसके दौरान 6 बोरी ईगल कंपनी की सुगंधित प्रतिबंधित तंबाकू, 114 किलो खुला तंबाकू, वहीं माझा कंपनी के 980 डब्बे तंबाकू के पैकिंग, सीलिंग, वजन, प्रिंटिंग के विविध प्रकार की मशीनें, तंबाकू पैकिंग के खाली पैकेट, खाली बॉक्स, ढक्कन आदि माल बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत करीबन 5,79,900 रुपए बताई जा रही है। प्राप्त मुद्देमाल पांच पावड़ी थाने में जमा किया गया है। एसएसबी टीम के एपीआई नेरकर मैडम को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि पांच पावड़ी हद में एक सुगंधित तंबाकू का इलीगल व्यापार चल रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा कार्रवाई होने की वजह से उन्होंने हमसे संपर्क किया। हमारी भी आदमी उस जगह पे माहिती निकाल कर बैठे थे, इसलिए हम दोनों ने एक संयुक्त कार्रवाई किया था, जिसमें 3 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है। उनके पास से 5,79,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। इसमें कुल 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है, 2 आरोपी और भी वॉन्टेड है, जिसके पास से ये माल लाते थे वो आरोपी है, और जहाँ पे बनाकर या फिर पैकिंग कर जिसको माल बेचते थे वो आरोपी है। ऐसे 2 आरोपी इसमें फरार है, 3 आरोपी जो है अरेस्ट किए हैं। इसमें सब ऐसा है कि आरोपी जो है उसका खुद का घर है, और घर के ऊपर ही उसने एक पैकिंग सीलिंग का मशीन, लेबलिंग पैकिंग सीलिंग इसका एक मशीन रखा था। वो सुगंधी तंबाकू लेकर आके उसे डब्बी में पैकिंग करके हिंगन घाट में बेच रहा था, इसे हमको इन्फॉर्मेशन है। इनबीसीएन न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।